हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस ब्लॉग विद हैप्पी शर्मा। आज हैप्पी शर्मा फिर से आया आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भरने, और आज ऐसा उपाय लेकर आया है कि जिससे आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है और आप सबके फेस में स्माइल आने वाली है, बहुत बड़ी वाली। तो वो टॉपिक मेरा आज जुड़ा हुआ है, जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे मोरपंख, वो जुड़ा हुआ है इस मोरपंख से। जितने खूबसूरत ये मोरपंख है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये आपकी लाइफ बना सकते हैं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं जो आपकी लाइफ को वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा ये सबसे मेन बात जो है, जितने ब्रह्मांड की रचना करी है भगवान श्री कृष्ण हमारे, तो उन्होंने अपने सर पे, अपने मुकुट पे इनको विराजमान किया है। और दूसरी बात, जो विद्या की देवी सरस्वती मैया, उन्होंने मोर को अपना वाहन बनाया है, और हमारे गौरी शंकर शिव जी भगवान, गौरी शंकर के पुत्र कार्तिकेय, उन्होंने भी मोर को अपना वाहन बनाया है। और बहुत सारे हमारे मेन प्रमुख ग्रंथ हैं जो लिखे गए मोरपंख से ही लिखे गए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में भी मोरपंख की को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। मोरपंख को अगर आप घर पर रखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये, नेगेटिव एनर्जी घर पर प्रवेश आपके कर ही नहीं पाएगी, अगर कर लिए तो ज़्यादा रुक नहीं पाएगी, वो भाग जाएगी। और दूसरी बात, मोर पंख अगर आप घर पे रखते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल बनी रहती है। और मेन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच बनती नहीं है और कलेश चलता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप घर के मंदिर में दोनों पति पत्नी बैठकर अपने एक एक हाथ से एक एक मोर पंख अपने मंदिर में आप रखेंगे, तो आपके घर में पति पत्नी के बीच में जो तनाव थे, दिक्कतें थी, वो एकदम से दूर हो जाएगी और दोनों के बीच में प्रेम बने रहेगा। और अगर आपका बच्चा ज़िद्दी हो गया है और संस्कारी नहीं है, उसमें संस्कार आपको नज़र नहीं आ रहे और वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है, आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, तो आप जहाँ बेटा आपका सोता है उस रूम के जो फ़ैन है, फ़ैन में अगर मोरपंख लगाएंगे तो उसमें आपको बहुत जल्दी बदलाव आपके बेटे में नज़र आएगा। एक और इसका बेनिफिट मैं बताऊँगा आपको, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप उसकी बुक्स में मोरपंख आप रखेंगे, या उसके स्टडी रूम में आप मोरपंख रखेंगे, या उसके स्टडी टेबल में मोरपंख रखेंगे, तो आपको उस दिन से अपने बेटे की लाइफ में और उसके स्टडी रूटीन में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा। और अगर आप वाहन चलाते हैं, चाहे कार, बाइक या स्कूटी या साइकिल कुछ भी चलाते हैं, वहाँ पर अगर आप मोरपंख लगाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपको मिलेगी इससे। और अगर आपके घर में तनाव रहता है, फैमिली के बीच में एकता नहीं है और बहुत ज़्यादा गैप आपको लग रहा है, आपको नज़र आ रहे हैं, तो अपने घर में जहाँ पर आप बैठते हैं या डिनर करते हैं, वहाँ पर अगर फ्रेम करके मोरपंख आप लगाएंगे, तो आपको अपने परिवार में एकता बनी हुई नज़र आएगी। इससे सरल उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता परिवार में एकता लाने का। अगर आपके घर में छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है, तो आप मोरपंख को ताबीज़ में डालकर लाल धागे में या काले धागे में उसे आप पहनाएंगे, तो बच्चा डरेगा नहीं और बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी। अपने प्यारे बच्चे के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, उसके फेस पर स्माइल ताकि बनी रहे, नज़र न लगे। नज़र लगने से आपको पता, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उस दिक्कतों को दूर करने के लिए मोरपंख आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, पैसों की तंगी रहती है, दिक्कतें रहती है, तो आप घर के मंदिर में 5 मोरपंख आप रखें, और 5 मोरपंख रखते ही आप खुद अपने घर में फ़र्क देखेंगे, फाइनेंशियल जो दिक्कतें आपको चल रही है वो दूर हो जाएगी। देखा मोरपंख का कितना फ़ायदा है। और दूसरे मंदिर में रखने के बाद अगर आप साथ साथ अपने वॉलेट में, पर्स में रखेंगे, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, और आपको फाइनेंशियल जो भी दिक्कत है वो बहुत जल्दी दूर हो सकती है। अगर आपके ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में कहीं भी आपकी बॉस से नहीं बन रही या आपके एम्प्लॉयज़ से नहीं बन रही, तो अपने ऑफिस में अगर आप मोरपंख फ्रेम करा के आप लगाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत माहौल वहाँ का है, बहुत खुशनुमा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको भी ऑफिस जाने का मन करेगा और आपके एम्प्लॉयज़ का भी ऑफिस आने का मन करेगा। और एक और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको नींद नहीं आती, आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अपने तकिए के नीचे इसको रख के आप सो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है, और जो ओवरथिंकिंग की जो गंदी बीमारी आपको है वो बहुत जल्दी भागने वाली है। अगर आपके घर में बहुत कलेश होने लग गया है, परिवार में बन नहीं रही और दूरियाँ आते जा रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही परिवार वालों के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो
आप मोर पंख को बांसुरी के साथ अपने घर में आप रखेंगे तो मनमुटाव दूर होगा और दोनों के बीच में प्यार बने रहेगा। इसका एक बेनिफिट और है, अगर आपकी लाइफ में कोई दुश्मन है और आपको लग रहा है वो आपके साथ कोई बुरा कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस मोर पंख में हनुमान जी की मूर्ति क्योंकि जो सिंदूर होता है उसे थोड़ा सा लेकर ट्यूसडे या सैटरडे ये उपाय करना है। उसका नाम यहाँ लिखना है उस बंदे का जिस पर आपको डाउट है, वो आपको बुरा कर सकता है, आपका हार्म कर सकता है, आपका दुश्मन है, उसका नाम लिख के अपने घर के मंदिर में ट्यूसडे या सैटरडे आपको रख देना है। फिर पूरे एक हफ्ते बाद जब ट्यूसडे आएगा इस मोरपंख को उठा के आपको पानी में बहा देना है। जैसे पानी में बहाएगा उसके मन से आपकी दुश्मनी बह जाएगी और वो आपका कभी बाल विवाह का कर नहीं पाएगा। सो गाइस, देखा मैंने आपको कितने सारे इसके बेनिफिट्स बता दिए कि ये जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत आपकी लाइफ को बना सकता है। ऐसे तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अगर मैं और बता रहा हूँ ये वीडियो 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे 48 घंटे की बन जाएगी, तो इतने ज़्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं सकता। अभी आप फिलहाल आप इतने बेनिफिट्स इसके उठाइए और भागते हुए जाइए मार्केट और मोरपंख लेकर आइए। मैं भी बचपन से ट्राई करते आ रहा हूँ, तभी मेरे फेस में हमेशा स्माइल रहती है। मैं हैप्पी नाम मेरा था, मैं हैप्पी रहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से मोरपंख को अपने साथ रखता हुआ आया हूँ। मेरे रूम में, मेरी कार में, हर जगह आपको मोरपंख मिलेगा। तो अगर आपको भी इस मोरपंख को लेकर कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और ट्राई आप जरूर करिए। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना किस किस ने उपाय किया और किस किस को इससे बेनिफिट्स हुए। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदे पता चल सके और वो फ़ायदे उठा सके और उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सके, जो मेरे वीडियो का, मेरे चैनल का, मेरी लाइफ का जो मेन एम है लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने का, वो पूरा हो सके। सो गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी, प्यारी सी, अच्छी सी हैप्पीनेस वाली वीडियो लेकर। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।